आशा अली सुल्तान का म्यूजिकल वीडियो कैसेट हुआ लॉन्च, सलमान शेख शिवांगी राय की हॉट टचिंग लव स्टोरी। आशा अनीस खान का म्यूजिकल वीडियो कैसेट मुंबई के रेड बल प्रीव्यू थिएटर में शानदार ढंग से लॉन्च किया गया। मशहूर एक्टर मॉडल सलमान शेख और डेब्यू एक्ट्रेस शिवांगी राय की जोड़ी पर रोमांटिक अंदाज में इसे फिल्माया गया है। इसके म्यूजिक कंपोजर और गीतकार आशा अनीस खान है। नए म्यूजिक वीडियो कैसेट का निर्माण आशा अनीस खान ने सिफर प्रोडक्शन के बैनर तले किया है। इस वीडियो को हंगामा आर्टिस्ट अलाउड ने रिलीज किया है। इसके वीडियो डायरेक्टर दीपांशु सैनी और सिंगर शाहिद मालिया हैं। बिल्कुल फिल्मी सांग की तरह शूट किए गए गीत को यहां आए मेहमानों और मौजूद तमाम लोगों ने खूब पसंद किया। यहां आए सेलिब्रिटी गेस्ट्स में एक्ट्रेस श्वेता खंडूरी, जसवीर कौर, वंदना लालवानी वर्मा मौजूद थी। सभी ने इस गाने की तारीफ की और सलमान शेख की परफॉर्मेंस अमेजिंग बताई। आशा अनीस खान ने कहा कि इस गीत को एक कॉन्सेप्ट और एक स्टोरी की तरह पेश किया गया है। मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि इस तरह के ओरिजिनल गीतों को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। और सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है, ऑडियो वीडियो वीडियो की तो सारी हमने जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो हंगामा प्रोवाइड करता है वो आइडियली कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एक्चुअली इतनी सारी प्रोवाइड नहीं करता। तो ये सारे OTT है, MX प्लेयर पे जाएगा, प्ले पे जाएगा, सारे स्मार्ट डिवाइसेस पे जाना है। सो आई एम श्योर ये गाने को बहुत लंबे जाना है और बहुत बड़ा रीच है एंड काफ़ी हद तक इसको लोग पसंद भी करेंगे एंड प्रोबेबली इट विल बी वन ऑफ द गुड सॉन्ग। बहुत बढ़िया, आई एम श्योर। अगर उन्होंने चार डाले लेकिन आई एम श्योर हमारे लिए तो ये पहला सॉन्ग है जो हम देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो इसकी तरह आई एम श्योर बहुत सारे गाने और भी आएंगे इनके अच्छे। सलमान और शिवांगी वाली जाएंगे, बहुत अच्छे एक्टर्स है और उनके लिए तो वे फॉरवर्ड है। आई एम श्योर अभी उनके लिए तो शुरुआत है और बहुत लंबा जाना होगा उनको। द म्यूजिक इज रनिंग वेरी वेल, द जॉनर विच इज विच दे हैव चूज्ड इज समथिंग विच रियली अटैच टू द पीपल, इट कनेक्ट्स वेरी वेल टू द यंगर पीपल। द मिलेनियल्स आर रियली लविंग यू नो सच सॉर्ट ऑफ जॉनर्स अपार्ट फ्रॉम हिप हॉप। सो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू create a good connect. If we talk about Shivangi, this was the first story for her, so how did you like her work? Like, it's her debut and she's in a very first step of her life and whatever the first step she has taken, she has beautifully come out with. She has lots to go. That's it. I think bas itna. Thank you so much. सो परिवर्तन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है इस म्यूजिक वीडियो के लिए और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है हंगामा में। जब हमने पहली बार म्यूजिक वीडियो देखी थी तो हमें लगा था दैट दिस इज़ माइंड ब्लोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल शायद माल्या का गाना है, सो आई थिंक आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ हिज, सो मुझे था कि इनको तो ज़रूर ही जाना चाहिए कहीं ना कहीं। एंड देन वी पिच्ड हंगामा, सो दैट वॉज द जर्नी बिहाइंड दिस सॉन्ग। वी लव्ड इट, एक्टिंग से लेके डायरेक्शन, DOP, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी थी। सो क्वालिटी अच्छी है फिल्म की, दैट इज़ द रीज़न ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी जाने के लिए रेडी है। सो आई थिंक दैट्स अ मेजर प्लस पॉइंट। व्हाट डू यू हैव टू से? आई गेस द सॉन्ग इज वेरी ओरिजिनल, लाइक यू कैन सी लाइक देयर इज एन इमोशन बिहाइंड द सॉन्ग एज वेल एज एट द सेम टाइम म्यूजिक बड़ा अच्छा है, सिंगिंग इज फैंटेबुलस, द एक्टर्स दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, स्पेशली शिवांगी विच आई डोंट थिंक दैट उनका डेब्यू था, लाइक शी हैज एज्ड इट इन शॉर्ट। सो इन ऑल द वीडियो हैज टर्न्ड आउट वेल, नाउ इट्स अप फॉर द ऑडियंस कि उन्हें वेदर दे एक्सेप्टेड नॉट। लेट्स ब्रिंग परिवर्तन टुगेदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहेंगे गाने के बारे में आपके? गाना बहुत अच्छा है और सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी इतना ही चाहूँगा आप सबसे दरख्वास्त ये कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो है उसको आप तवज्जो दें, सुने और बढ़ावा दें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, बुरा लगे तो भी कमेंट करें ताकि हमें सीखने भी मिले। और अशर ने बहुत अच्छी कोशिश की है इस गाने में, म्यूज़िक वाइज, प्रोडक्शन वाइज, और वीडियो भी बहुत अच्छा बनाया है सलमान और शिवांगी ने, बहुत अच्छा काम किया है। तो
बात ये है कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में खुल के हम लोग अपना रख पाते हैं म्यूज़िक, जो भी हमने सीखा, जो हमें आता है, तो हमारी कोशिश कितनी सार्थक है, कितनी सही है, वो आप ही बताएंगे। तो आप उसको अपने कमेंट्स के ज़रिए, अपने लाइक्स के ज़रिए या अनलाइक्स के ज़रिए बताएं, ताकि हमें सीखने भी मिले और हम आगे भी और अच्छा कुछ कर सकें। नहीं, मुझे यकीन था कि इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट बाहर आएगा, और जहाँ तक एक गाना होता है वो अपने आप अपनी सिचुएशन बना लेता है, सिनेरियो बना लेता है कि उसको कैसा शूट होना है, और डायरेक्टर ने काफ़ी हद तक न्याय किया गाने के साथ, और एक खूबसूरत छोटी शॉर्ट फिल्म बन गई है, 5-4 मिनट की जो भी है। तो सबकी मेहनत इसमें है और सबने दिल से काम किया है। अशर ने बहुत अच्छा कंपोज किया है, अपनी कम उम्र में भी उन्होंने अपने फन को मतलब उजागर किया है, और एक अच्छा कंपोज़र आगे फ्यूचर में बनने की उनके अंदर खासियत और शंकाएँ हैं माशाल्लाह। जी, दोनों माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लगे इस वीडियो में मुझे, और सलमान काफ़ी अच्छे हैं, और उन्होंने अपने किरदार के साथ काफ़ी न्याय किया है। शिवांगी ने बहुत अच्छा काम किया, उनके फ्यूचर के लिए भी कामना करता हूँ कि वो और अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच, आप लोगों को गाना पसंद आया हमारा। हम लोग अपने काम के लिए जो भी प्रोजेक्ट हमारा होता है, हम लोग बहुत दिल जान से मेहनत करते हैं। उसी तरह से इस प्रोजेक्ट के लिए भी हम लोगों ने बहुत बहुत मेहनत की, हमारी पूरी टीम ने मेहनत की है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी मेहनत यहाँ पर आके रुक गई है, अभी जो मेहनत होगी प्लीज़ आप लोगों की है। देखिए गाना, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे प्यार दीजिए। जितना प्यार आप लोग देते रहेंगे, हमारे अंदर जो और जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ता रहेगा, और हमें उम्मीद मिलेगी कि हम लोग और ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे अगला। तो प्लीज़ प्यार देते रहिए, आप क्या कहना चाहिए? वही, प्यार देते रहिए। अगर आप लोगों ने गाना सुना है तो गाना तो बहुत कमाल है ही, वो एक ही बार में पसंद आ जाता है। शाहिद जी की आवाज़ ने उसमें 4 चांद लगा दिए। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी एज एन एक्टर, मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, उसमें बहुत सारे शेड्स थे प्ले करने के लिए। एक अल्जाइमर पेशेंट थी, मोहब्बत थी, सैडनेस था, सब कुछ था। सो वो मुझे बहुत पसंद आया और इसलिए मैंने वो सॉन्ग किया। कम्प्लीटली फिल्म कर ली मैंने। सेट पे कैसा होता है सलमान भाई? सेट पे मैं सलमान को तो पहले से नहीं जानती थी, मतलब सिर्फ हाय हेलो था। बट जो डायरेक्टर है हमारे, उनके साथ मतलब एक भाई बहन वाला रिश्ता, मतलब वी वर वेरी क्लोज, और अशर भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और सब जानते थे कि मेरा पहला सॉन्ग है और मैं बहुत 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 ज़्यादा नर्वस हूँ। तो सेट पे माहौल बहुत प्यारा था, एकदम घर वाला माहौल था, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, तो ऐसा माहौल था। इस वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा घर वाला माहौल था, ऐसा लग रहा था अपने घर वाले लोगों के साथ कर रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। एंड ऑफकोर्स मैंने बताया, मेरे एक्टर ऐसे थे कि मुझे बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। यार एक्चुअली ना बात ऐसी है कि इस टीम के साथ मुझे काम करते बहुत टाइम हो चुका है। अशर जो कि हमारे प्रोड्यूसर हैं, म्यूजिक कंपोज़र हैं, उनके साथ में मैं तकरीबन पिछले 5-6 सालों से हूँ, और ये मेरा अगर मैं काम की बात करूँ तो शायद हम लोगों का ये 3rd प्रोजेक्ट है जो कि हम साथ में कर रहे हैं। तो हमारी आपसे अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी बन चुकी है, क्योंकि जब आप एक दोस्त भी अच्छे हैं और साथ में आप काम भी बेहतर करते हैं, और हम दोनों की बॉन्डिश कुछ इस तरह की बॉन्डिंग है, हम दोनों चाहते हैं कि हर एक काम में अपने आप को बेहतर तरीके से पेश कर पाएँ। और अशर भी उस चीज़ में इतने ईमानदार हैं कि वो अपने हर म्यूज़िक में, अपने हर गाने में ट्राई करते हैं कि जो ट्रेंड में चल रहा हो उससे अलग हटके कुछ ऐसा ट्राई करें ताकि मार्केट में कुछ आके किसी का ध्यान जाए और लोग देखें कि एक अलग तरह का म्यूज़िक भी बन रहा है, या फिर लोग उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो इस तरह की कोशिशें हमारी रही थी, और तो एक टीम बहुत अच्छी है, टीम मेरी खुद की प्यारी टीम है, मेरी खुद की घर की टीम है। तो ये काम करने के लिए एक्सपीरियंस तो अच्छा ही होना था। सलमान भाई,
फैमिली या घर वाले या फिर फ्रेंड्स ने किसने कहा देखा है, क्या कॉम्प्लीमेंट मिले वहाँ से? मैं एक्चुअली एक्टर से पहले एक इंजीनियर हूँ और मेरे सारे इंजीनियरिंग या स्कूल वाले दोस्त आए हुए हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। फैमिली में मेरी बहन आई हुई है, मम्मी पापा का आना हो नहीं पाया एंड दे आर वेरी हैप्पी टू सी मी। हाँ जी, इंजीनियर कीड़ा होता है एक्टर बनने का क्या? मुझे मैं बताती हूँ, ये इंजीनियरिंग करने के बाद पता चलता है कि आपको क्या करना है, तब तक नहीं समझ आता। उसके बाद आपको पता चलता है अच्छा मुझे ये करना था, मुझे पेंटर बनना था, मुझे एक्टर बनना था, मुझे डायरेक्टर बनना था, तो ऐसा होता है। बस इंजीनियरिंग ख़त्म हुई और फिर मेरे को समझ आ गई कि छी मैं ये क्या कर रही हूँ, छी मैं ये क्या कर रही हूँ, इस बात को नोट करना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सारे सवाल तो आते ही हैं कि बेटा यही करना था तो ये क्यों किया। उन्होंने बोला पहले पता नहीं था ये करना है तो अभी। नहीं, मैं तो बोलती हूँ अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी सेटल, मैं इंजीनियरिंग के बाद मैं एक जॉब भी कर रही थी एमएनसी में और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप एक सेटल जॉब छोड़ के किसी मतलब स्ट्रगल करने निकल जाते हो, तो वो एक स्टेप हर कोई नहीं ले पाता है और जो लेता है हैट्स ऑफ। हाँ, सबसे पहले मैं इन्हीं के बात में कहना चाहूँगा इंजीनियरिंग के बारे में। एक्चुअली कहीं से सुना था मैंने, अपना ओरिजिनल नहीं है। सो इंजीनियरिंग में इतना प्रेशर मिलता है उस स्टूडेंट को कि उसे प्रेशर झेलने की आदत हो जाती है, तो वो प्रेशर और इतने प्रेशर में रहकर भी वो बड़े बड़े कमाल के काम करता है हर वक्त। तो मुझे ऐसा लगता है इंजीनियर जो हैं वो इस लाइन में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उनमें हिम्मत बहुत आ जाती है कि हमने बड़े बड़े प्रेशर झेल लिए, अब ये भी झेल ही लेंगे, तो इस बहाने वो ये भी झेल जाते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। एंड इंजीनियर्स आर बेस्ट फॉर एवरीथिंग। ऑडियंस के लिए यही कहेंगे यार, प्लीज़ हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, प्लीज़ देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बहुत मेहनत की है, पहला गाना है, अच्छा गाना है, बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। लिखा था एंड यहाँ पे आने के बाद एक लास्ट ईयर एक गाना आया था मेरा ठंडा बुखार, आप लोग उसमें भी आए थे, प्यार दिया था बहुत। उसके बाद वी वॉन्टेड टू डू समथिंग न्यू एंड समथिंग बिग स्केल और शाहिद भाई के साथ उस वक्त पे मेरे एक गाने का प्लानिंग चल रहा था, रिकॉर्डेड द सॉन्ग और बट शाहिद भाई ने मुझे बोला कि अर्शद मुझे एक और गाना चाहिए, कुछ अच्छा गाना दे। सो आई वेंट हिम विद दिस सॉन्ग एंड ही लाइक्ड इट एंड रिकॉर्डेड। जब हमने इसको रिकॉर्ड किया तो मेरी डायरेक्शन टीम को लगा कि दिस इज़ अ कम्प्लीटली स्टोरी बेस्ड यू नो सॉन्ग एंड इसमें एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ एक प्रॉपर एक्टर्स होने चाहिए। तो देयर वी वर लाइक, हमने बोला कि चलो इसको फाइनली कर लेते एंड दैट्स हाउ वी मेड दिस सॉन्ग। सलमान के साथ तो मैंने काम कर चुका है पहले, जैसे वो भी बताते हैं कि हम बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी दोस्ती है, काफ़ी सालों का हमारा दोस्ती है और एक क्रिएटिवली कहीं हम लोग कनेक्ट होते हैं बहुत जगह पे। एंड इस रोल का जब हमने कॉन्सेप्ट सुना तो मुझे उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं लगा अपने लिए। एंड शिवांगी मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, नौटंकी किया करती थी फ़ोन पे, टिकटॉक पे, एंड वन डे आई जस्ट टोल्ड हर कि यार व्हाई डोंट यू कम हियर एंड let's just try something else. And we discussed about she was doing her engineering, she was in some company that time and she was very confused ki kya kiya jaye, engineering ki jaye ya kaam kiya jaye. Maine kaha usko chhod do, idhar aa jao abhi. And then she came on board, she learned a lot, she's a great learner aur uska performance aisa hai nahi ki usne first time aise diya. So I congratulate her and Salman both for giving and thank you both of you for giving this song. आपने अंदर एक बात कही कि प्लीज ओरिजिनल सुनिए आप जी, तो कुछ लोग कहते हैं ओरिजिनल यहाँ से नहीं है तो सुने कैसे, जब तक आप देंगे नहीं सुनने के लिए हम सुने कैसे? सर हम तो सर हम रोज देने के लिए तैयार है, आप मौका दीजिए। बट यही है कि जो जो लोग लेने वाले हैं आई थिंक दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उन्हें आदत हो गई एक सड़ी गली खिचड़ी खाने की और वो वही खिलाना चाहते हैं और पब्लिक बड़े मज़े से खाती है। तो आई थिंक कहने के हमको भी चेंज होना पड़ेगा ऑडियंस को। सर इट्स नॉट अबाउट मुन्नी बदनाम या अरिजीत, इट्स अबाउट ओरिजिनलिटी। मुन्नी बदनाम भी तो ओरिजिनल ही था ना। मैं कह रहा हूँ कि वाई आर यू ब्रिंगिंग रिमिक्सेज एंड जस्ट एक गाना पकड़ के चल रहे हो, यू नो मुन्नी बदनाम वाज सच अ ब्रिलियंट कंपोजिशन, वाजिद भाई और साजिद भाई की कंपोजिशन थी, बट दे नेवर रिपीट देयर एल्बम्स, यू नो साजिद वाजिद भाई के जाने के बाद अफसोस सबको इसीलिए हुआ था बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजर्स दैट वी हैव।
और अच्छा इंसान जब जाता है तो सबको दुख होता है, वैसे ही उन्होंने रिपीट नहीं किया अपने म्यूजिक को. दैट्स व्हाट आई विल ऑलवेज ट्राई टू से कि डोंट रिपीट योर जॉनर, कम विद न्यू थिंग एवरी सिंगल टाइम. और वो सर यहीं से निकलता है हर आर्टिस्ट का. बट जो शायद सामने जो बाबू लोग बैठे मैंने बाबू लोग बोलता हूँ, वो बाबू लोग को शायद सोचना चाहिए कि आर्टिस्ट में और छाप के देने वाले में बहुत फ़र्क होता है. सर मैंने किया था, आप सबके बोलने भी मैंने किया था 2019 में, एक मेरा गाना आया था मोहब्बत था. बट मुझे लगता है कि आई एम नॉट एन एक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, सो आई डोंट वांट टू उसको ज़बरदस्ती करना नहीं है. एंड स्पेशली सॉन्ग्स लाइक दिस विच आर बिग इन ऑन ऑन कैनवस, तो वो छोटे मोटे काम चल जाते. बट आई एम नॉट एन एक्टर, आई एम अ कंपोजर प्रोड्यूसर लिरिसिस्ट एंड आई थिंक दैट्स व्हाट सूट्स मी. सर जी आपके लिए म्यूजिक का डेफिनेशन क्या होता है? सर मेरे लिए म्यूज़िक एक 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 वजह है ज़िंदगी में जीने की, जिसको आप फील कर सकते हो रियल टाइम में ना. आप हर चीज़ में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का एक फ़र्क होता है. आप चिमटी काट रहे हो तो आपको लगेंगी एंड देन यू विल रिफ्लेक्ट इट. म्यूज़िक समथिंग लाइक आपने सुना और वो तुरंत आपको हिट करता है. तो आई थिंक इट्स मैजिक एंड वी ऑलवेज वॉन्ट टू रीच समवेयर. हमारी भी बहुत आइडल्स है और जिन्हें हम मानते हैं, जिन्हें हम सुन के बड़े हुए हैं, तो आई थिंक वहाँ तक हम कम्पीट तो नहीं कर पाएंगे, बट उनकी जो एक लेवल है इंडियन म्यूजिक को हम वो करने की कोशिश करेंगे. सर सीखना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक सीख के अगर आएंगे तो अच्छा करेंगे, और अगर वैसे ही आ जाएंगे तो फिर वही करेंगे जो सब लोग कर रहे. तो आप सीख के आइए और असिस्ट करिए लोगों को बॉम्बे आके, देखिए क्या चल रहा है और सोचिए क्या चाहिए ऑडियंस को और फिर बनाइए. तो आई थिंक हंगामा और परिवर्तन जैसे पिक्चर आपके साथ में जुड़ जाएंगे, बिल्कुल कल्पना नहीं थी सर. और बिल्कुल ये जो जितने आपने अंदर लोगोस देखे, आई थिंक इट्स अ ग्रेट गिफ्ट. एक तरीके से एक रिस्की पोजिशन पे था मैं, दैट आई वॉन्टेड टू नॉट रिलीज नॉर्मल यूट्यूब वीडियो, बट आई वॉन्ट टू डू अ सॉन्ग ऑन OTT. सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ वेरी रिस्की. बट परिवर्तन एंड Hangama both played a very, very nice role, and a lot of people to thank, Prashant and Ankit and everyone who helped me in this, and big thanks to Hangama people. एक लाइन गाने के लिए शायद मैंने गा दिया. मैं क्या बिखरा हूँ मैं, किस हाल में चलाया हूँ यहाँ, क्यों दिल करे ये मशवरा, किस हाल से यहाँ गुजरा हूँ. अमेजिंग सॉन्ग है और ब्यूटीफुल है बहुत ज़्यादा, और मुझे तो शुरू से ही सैड रोमांटिक गाने बहुत पसंद है, सो आई लव दिस सॉन्ग. अमेजिंग. अशर से मैं कुछ दिनों पहले ही मिली थी फर्स्ट टाइम, एंड ही इज़ रियली अ स्वीट गाय, और बहुत अच्छा है अशर, और शायद हम लोग साथ में काम करें. I like Salman more. He's handsome too. She's awesome, pretty, very pretty, and dono ka kaam amazing tha. But aapne ek pucha na, so. बोलूँगा सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है. जो लाइक एक्टर एंड एक्ट्रेस है दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लग रही है, एंड शूट के जो लोकेशन से लेके स्टोरी जो लेके लाइक सब कुछ बेस्ट है. सो नो डाउट ये सॉन्ग हिट है. बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है. हम सब ने नोटबुक तो देखी है, ऐसी काफ़ी स्टोरीज हमने देखी है जो फिल्म्स में आती है, बट ये आई थिंक वन ऑफ अ काइंड सॉन्ग है जिसमें पूरी स्टोरी फिल्म की तरह एक गाने में आ गई है, समा गई है, जो बहुत ही ब्यूटीफुली शॉट किया गया है. और मेरा बहुत ही डियर फ्रेंड सलमान ने इसमें परफॉर्म किया है. इवन द गर्ल इज़ रियली नाइस, सो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. एक एक करके दो दो पूछ रहे हैं. डेफिनेटली हम उसके बारे में बात करेंगे. इट्स कॉल्ड दिल्ली वाला दिल, बट आने दो ना, फिर बात करेंगे. वी विल हैव सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगी मैं. कैसेट की बात करते हैं. आपने सुना कैसेट के बारे में? क्या रिएक्शन मैंने है आपका? कैसेट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने बचपन में कैसेट्स बहुत सुने हैं, तो कहीं ना कहीं हाँ मतलब पड़े रहते हैं, मम्मी पापा के भी पड़े रहते हैं ना, कहीं रखे रहते हैं. तो वो कैसेट मैंने कहा मेरे को डेफिनेटली देखना है. जब सलमान ने मुझे टीज़र भी भेजा, सो इट वॉज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. एंड जो स्टोरी उसमें आई है वो बहुत ब्यूटीफुल है, जो दिल को छूती है एकदम. सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल. मैडम
100% ना, हम जो अच्छी चीज़ देखते हैं उसमें खुद को इमेजिन करते हैं, बट आई एम श्योर इज गोइंग टू मेक समथिंग बेटर एंड टेक मी इन दैट। यार ये गलत बात है, ये आप बताइए मुझे। हाँ जी, हाँ यस 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 फॉर श्योर। मतलब ये तो आपने बहुत इस लड़ाई करवाना चाहते हैं आपके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो कैसेट, एक इट्स वेरी यूनिक नेम आई फाउंड इट, एंड ऑफ कोर्स वी हैव नोन सलमान, और आज की शाम सलमान के नाम है, सो वी आर हियर टू हेल्प हिम, सपोर्ट हिम। एंड फ्रेंड्स किस लिए हैं, यू नो कब काम आएंगे, सो फुल ऑन सपोर्ट के साथ हम आए हैं सलमान के लिए, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, बिकॉज मैंने बहुत टाइम बाद, आल से लिटरली आई एम सेइंग इट, मैंने बहुत टाइम बाद किसी को इतना हार्ड वर्किंग, बिफोर टाइम, डेडिकेटेड, और मुझे कुछ करना है देखा इस लड़के में, सो आई हैव नो हिच टू से दैट, एंड आई एम रियली हैप्पी टू नो हिम, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। यार सबसे बड़ी खुशी तभी मिलती है जब आपको घर से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से तारीफें मिली, क्योंकि बाहर वाले तो ना आपकी झूठी तारीफें कर जाएंगे, बाहर वाले तो आपकी हमेशा झूठी तारीफ करके निकल जाते हैं, लेकिन परिवार वाले ही वो लोग होते हैं जो आपकी गलतियों में आपको टोक देते हैं, बोल देते हैं कि तू यहाँ पे गलत था या सही था, तो जब घर वाले तारीफ कर रहे होते हैं वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सलमान बहुत ही टैलेंटेड है, हार्डवर्किंग जैसे जस्सी ने कहा, और आई थिंक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर है, हमने सबने देखा कि कितना उसने अच्छी तरह से अपने इमोशंस पूरे डाल दिए इस म्यूजिक वीडियो में, सो आई थिंक सक्सेस अब इनके कदम चूमेंगे, नो लुकिंग बैक फ्रॉम नाउ, यस नो लुकिंग बैक, आई वी थैंक यू सो मच। तब अशर मेरे साथ ही रहता है, वी आर रूममेट्स, तो गाना तो स्क्रैच से बनने से लेकर लिखने से लेकर से ही साथ में था उसके, मतलब जब लिरिक्स स्टार्ट हुई पहले अक्षर से लेकर आखिरी से लेकर सब कुछ साथ में ही था। इसमें वीडियो जैसे जैसे ऐसे गाना बनता गया उसी हिसाब से वीडियो भी आगे हम प्लान करते गए, और जब शाहिद भाई ने ये गाना गाया तो उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया वीडियो का, हमने इसको पूरा लुक ही बदल दिया जिस तरीके से उन्होंने गाया, तो हाँ मतलब इस तरीके से ही पूरा रहा गाने का ब्रेक। स्टोरी लाइन जो कही सब कुछ मतलब प्यार है, नफरत है, गुस्सा है, ये कैसी मूवी किस तरह से आती है? सर इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ तो राइटर का है, जिसने ये स्टोरी लिखी, विश्वजीत जगदीश ने ये स्टोरी लिखी है, तो स्टोरी लाइन बहुत अच्छा था, बहुत अलग तरीके से था, मतलब कभी भी किसी सॉन्ग में इतना सैड या इतना इंटीमेट एल्बम्स में नहीं दिखाते हैं ज़्यादा, तो वो एक मेरे लिए भी नया था शूट करना, और पूरा प्रोसेस ये था कि गाने में हमने वीडियो को बहुत अलग तरीके से दिखाना था, अपना लव एक कैसेट्स के थ्रू उसने दिखाया कि किस तरीके से वो अपनी बातें जब भूलती थी तो कैसेट्स में रिकॉर्ड करती थी, उसके थ्रू उसने अपना लव दिखाया। मतलब ये ऑनेस्टली बताऊँ तो ये स्टार्टिंग में तो ये यूं ही आया था, मतलब कि हाँ मतलब कि यू नो वो रिकॉर्ड करती है तो लाइक वॉकमैन में रिकॉर्ड करती है तो ऑफ कोर्स कैसेट में, तो इस तरीके से कैसेट उससे जुड़ा था। सलमान का कोई एक्सपीरियंस है, प्लानिंग है कोई नए अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, मतलब कोई नए स्टार के साथ आप क्या करते हैं? सर आगे है ऑफ कोर्स लाइनअप है कुछ प्लानिंग, बट सॉन्ग्स ही है, देर आर 2-3 पंजाबी सॉन्ग्स लाइनअप जो है, सो सेम मतलब उनके सिंगर के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, उन्हीं सिंगर का नया गाना आ रहा है अभी तो उनके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ। आजकल मोबाइल का दौर है, वहाँ पर कैसेट सर, मतलब जो वॉकमैन मतलब का जो एक फीलिंग है, वो जो कैसेट्स में रिकॉर्ड करने का एक जमाना था, एक फील था, वो एक उसका एक फीलिंग ही अलग होता था, जब आप अपनी बातें कैसेट्स में एम्प्टी कैसेट्स लेके रिकॉर्ड करते थे और उसको प्ले करते थे, उसी थॉट के साथ हमने रखा कि कैसेट्स, और आज के दौरान में लोग कैसेट्स को भूल ही गए हैं, मतलब मैं खुद कैसेट्स को सुन के ही बड़ा हुआ हूँ, डीवीडी भूल गए, राइट, मतलब पेनड्राइव भी अब तो नहीं चल रही है, तो मैं खुद कैसेट्स को सुन के बड़ा हुआ हूँ, तो बहुत अट्रैक्टिव था जब कैसेट्स उसमें आया, तो इस तरीके से हमने फिर उसको कैसेट्स के ही जोन में लेके गए गाने को। सलमान तो मतलब वो सलमान ही है, सलमान बहुत अच्छा एक्टर है, सलमान के साथ मैं पहले भी एक दो गाने कर चुका हूँ, बहुत कम्फर्टेबल रहता हूँ, बहुत हम्बल है,
और स्पेशली वो अपने करेक्टर को हर बार बहुत ही पॉजिटिविटी से और बहुत नेचुरल तरीके से निभाता है, द बेस्ट पार्ट। एंड शिवांगी तो डेब्यू था, पर ऑनेस्टली ऐसे मैंने अंदर भी कहा कि मेरे को उसके साथ ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी न्यू एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा हूँ। इट वॉज रियली गुड फॉर मी कि मेरे को ऐसे एक्टर्स मिले जो ईजिली यू नो मेरे करेक्टर्स को जिन्होंने फील करा और उसको पर्दे पर दिखाया और सबको सेटिस्फाइड किया।